पाक अफगान बॉर्डर पर कशीदा सूरत हाल दूसरे दिन भी बरकरार। फौजी हुकाम की फ्लैग मीटिंग्स के आज दोनों दौर बेनतीजा रहे। बाबे दोस्ती बदस्तूर बंद, तिजारती सामान की गाड़ियों की कतारें लग गई। सिक्योरिटी हाई अलर्ट, बॉर्डर के करीबी इलाकों से लोगों की नकल मकानी। चमन बॉर्डर पर फायरिंग, दिल्ली काबुल गठजोड़ का नतीजा है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमारी कोशिशें हैं दोनों मुल्कों में हम आंगी पैदा हो, लेकिन दूसरी जानिब से मुस्बत जवाब नहीं मिल रहा। जिसने कहा तमाम जजों ने वजीर आजम को झूठा कहा, वो अपनी बात से मुकर गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बलोचिस्तान के इलाके आवरान का दौरा। पाक फौज और एफसी के इलाके में तिबियो तालीमी फलाही इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ कहते हैं बलोचिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। फौज और एफसी की कोशिशों से सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर हुई। गांधी का भारत मोदी का देश बन चुका, इंसानियत भुला बैठा। दुश्मनी में अंधे भारतीय हुकाम ने पाकिस्तानियों के लिए मेडिकल वीजे बंद कर दिए। दो माह से किसी मरीज को इलाज के लिए वीजा नहीं दिया। उधर कंट्रोल लाइन गलती से पार करने वाले 12 साल लड़के को भारतीय फौज ने गिरफ्तार कर लिया। मोदी की आशीर्वाद, कश्मीरियों पर मजालिम ढाने के नित नए तरीके ईजाद। मकबूजा कश्मीर में मुजाहिरीन ने निमटने के लिए हिंदू इंतहा पसंदों का जत्था कल रवाना होगा। 1000 मर्द खवातीन का ग्रुप एहतजाज करने वाले कश्मीरियों पर पथराव किया करेगा। जॉन सीना नामी ग्रुप को कानपुर में तरबियत दी गई। कराची में एमकेएम लंजन के इजलास पर पुलिस का छापा। एमकेएम लंजन का इजलास गुलशन इकबाल चौरंगी के करीब शादी हॉल में जारी था। पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। एसपी गुलशन का कहना है कि एमकेएम लंजन की तकरीब रुकवा थी। एबटाबाद में पुरतशद्द तब्दीली। मुबैना तौर पर 3 साल बाद हलके में आए पीटीआई वजीर की गाड़ी पर लोगों का पथराव। 7 अफराद जख्मी, 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। वजीर खुराक कलंदर लोधी कहते हैं वो हफ्ते में 2 दिन हलके में जाते हैं। पथराव नून लीग और जमात इस्लामी के कारकुनों ने किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का नून लीग के जलसे के लिए सरकारी स्कूल की बंदिश का सख्त नोटिस। सुबह वजीर तालीम ने शांगला में बंद किए गए तमाम स्कूलों के प्रिंसिपल्स और हेडमास्टर्स को मुअत्तल कर दिया। तहकीकात का भी हुक्म। आतिफ खान कहते हैं शिकायत दुरुस्त साबित होने पर मुतालिका प्रिंसिपल्स और हेडमास्टर्स को बरतरफ भी किया जा सकता है। इमरान खान ने एक बार फिर गो नवाज गो को कौमी नारा करार दे दिया। बोले दारों की तबाही में किसी न किसी नजम सेठी का हाथ होता है। पीआईए में भी इन जैसे लोग आ गए। हुक्मरानों ने येलो कैप स्कीम करप्शन के लिए शुरू की। पिशावर में खिताब। उधर सियालकोट में कल के जलसे की भरपूर तैयारियां जारी। मुल्क में इतने घपले और करप्शन है कि जितना कहा जाए कम है। वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं तहकीकात करने लगे तो सारा वक्त गुजर जाएगा। दुआ करें अल्लाह सड़कों की मुखालफत करने वालों को हिदायत दे। बीमार मंसूबों को भी दोबारा पैरों पर खड़ा किया। नवाज शरीफ ने न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मेट्रो बस लिंक मंसूबे का संग बुनियाद रखा। बड़ी बात है, अशरफुल मखलूकात अपने आप को जानवर कहते हुए सो बड़ा खुश होते। प्राइमेस्टर हो, प्राइमेस्टर अपने आप को जानवर का रूप डाल ले तो उसमें यही होगा। बदकिस्मती है कि वजीर आजम खुद को जानवर से तशबीह देकर खुश होते हैं। खुशी शाह कहते हैं 2 जजों ने झूठा कहा, 3 ने कतरी खत रद्द किया। दानिश स्कूल आशियाने स्कीमें कहां गईं? आवाम के पेट काटकर लाहौर मेट्रो और ऑरेंज की सब्सिडी दी जा रही है। उधर पीपल्स पार्टी का लोड शेडिंग के खिलाफ लाड़काना में धरना।
बोम की सियासी पिच पर नेट प्रैक्टिस सिंध सरकार को चौके छक्के। शाहिद खान अफरीदी कहते हैं सिंध हुकूमत ने अकेडमी के लिए जगह देने से इनकार कर दिया। सूबे में खेलों का बुरा हाल है, पानी का भी मसला है। बेनजीर जिंदा होती तो ये हाल ना होता। दो दिन में अहम ऐलान करेंगे। जिस चीज के लिए आवाज उठाई वो मिसबा और यूनुस के लिए होने लगा। कराची में बूटी माफिया को खुली छूट। इंटर इम्तहानात में पर्चे पर पर्चा आउट, पेपर लीक होकर सोशल मीडिया पर आने लगे। व्हाट्सएप ग्रुप्स में भारतीय फोन नंबर्स की मौजूदगी का भी इंकशाफ। वजीर आला सिंह ने तहकीकात CTD को सौंप दी। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर एजाज चौधरी की अमेरिकी मुशीर बराए कौमी सलामती से मुलाकात। पाक अमेरिका ताल्लुकात, अफगानिस्तान में कयाम अमन और सरहदी इस्तेहकाम के उमूर पर तबादला ख्याल। लेफ्टिनेंट जनरल मैक मास्टर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ किया। रोजनामा 92 न्यूज ने मयारी खबरों की वजह से कराची वालों को अपना गर्वीदा बना लिया। कराची एडिशन के इशाक के चौथे दिन गुलशन इकबाल न्यूज डेपो पर केक काटा गया। उधर 92 न्यूज के ट्रेन कारवां की लाहौर वापसी, मुख्तलिफ शहरों में शानदार इस्तकबाल। भारत में लाखों लीटर शराब चूहे गए डकार, हैरान कुन दावा करती है पुलिस अहलकार। रियासत बिहार में पुलिस ने 9 लाख लीटर शराब जब्त की, बड़ी मकदार थानों से गायब हो गई। अहलकारों ने इल्जाम चूहों पर धर दिया। हुक्काम की 1000 से जायद थानों को शराब के स्टॉक की जांच की हिदायत। और एक्शन और सनसनी से भरपूर फिल्मों के दीवाने हो जाएं तैयार। हॉलीवुड फिल्म द डार्क टावर का ऑफिशियल ट्रेलर जारी। खौफनाक मनाजिर से भरपूर फिल्म 4 अगस्त को अमेरिकी सिनेमाघरों का रुख करेगी।